बार्शीटाकडी पोलिसांनी मोटरसायकल चोरीच्या गुन्ह्यामध्ये यशस्वी छापेमारी करून 5 आरोपींना अटक केली असून या आरोपीकडून 650,000 13 मोटरसायकली जप्त करण्यात आल्या आहेत. तपासात आणखी दुचाकी चोरीचे गुन्हे बाहेर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. बार्शीटाकडी पोलिसांनी मोटरसायकल चोरीच्या गुन्ह्यात मोठी कामगिरी बजावली असून या प्रकरणात आरोपी गुलाब हुसेन नवरंगाबादी तालुका दिग्रस जिल्हा यवतमाळ यांना अटक करण्यात आली आहे. याचबरोबर आणखी 5 मोटरसायकली जप्त करण्यात आल्या आहेत ज्यामुळे या गुन्ह्यातील तपासाला गती मिळाली आहे. यापूर्वी या प्रकरणात 8 मोटरसायकली जप्त करण्यात आल्या होत्या. याचबरोबर सय्यद मोहसेन सय्यद कुद्दूस तालुका दिग्रस जिल्हा यवतमाळ आणि प्रदीप गौतम निखाडे राहणार बार्शीटाकडी या दोन आरोपींनाही अटक करण्यात आली होती. आतापर्यंत या प्रकरणात एकूण 13 मोटरसायकली जप्त करण्यात आल्या आहेत. यापैकी 10 मोटरसायकली चोरीच्या वेगवेगळ्या गुन्ह्यांशी संबंधित आहेत. या मोटरसायकलींची किंमत अंदाजे 6,58,000 रुपये आहे. आरोपी गुलाब हुसेन नवरंगाबादी हा सध्या पोलीस कस्टडीमध्ये आहे. त्याच्याकडून आणखी काही गुन्हे उघड होण्याची शक्यता आहे. सदरची कार्यवाही ही अकोला जिल्हा पोलीस अधीक्षक बच्चन सिंग अपर पोलीस अधीक्षक अभय डोंगरे SDPO मनोहर दाभाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बार्शीटाकडी पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक शिरीष खंडारे यांच्या नेतृत्वात ASI शेख फराज राजू जवंधारकर पंकज पवार नागसेन वानखडे ईश्वर पातोंड मनीष घुगे यांनी केली. ये साल 2024 में बार्शी टाकड़ी पुलिस स्टेशन के अधीन में से बहुत सारी मोटरसाइकिलें चोरी हुई थी. वो चोरी के ऊपर प्रतिबंध लगाने के हिसाब से हमारे पुलिस अधीक्षक सर श्री बच्चन सिंह सर इनके मार्गदर्शन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अभय डोंगरे सर तथा मुर्शिदाबाद डिवीजन के SDPO श्री दाभाडे सर इन्होंने एक एक्शन प्लान बनाया था जिसके अनुसार मोटरसाइकिल की चोरियों को प्रतिबंध लगाया जा सके तथा जो चोरी गई मोटरसाइकिल है उनको उनकी तब्दीश करके ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल रिकवर की जा सके. तो वो हिसाब से जो प्लान बनाया था वो प्लान के हिसाब से CCTV फुटेज चेकिंग तथा जो निगरानी बदमाश है उनकी जो मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गुनहगार हैं उनके ऊपर निगरानी रखना ये प्लान के अंतर्गत ये सिलसिला जारी जब था तब पिछले 28 तारीख को हमने एक CCTV के आधार से एक संशयित को पुलिस में चौकसी के लिए बुलाया था. उसने मोटरसाइकिल चोरियों की कबूली दी थी और सारी मोटरसाइकिलें यवतमाल स्थित दिग्गज तालुका में संबंधितों को जो इनके साथीदारों को दी उसके बारे में जानकारी दी थी. तो हिसाब से हमने दिग्गज जाके बार्शीटाकडी की टीम ने जिसमें ASI फराज नागसेन हेड कांस्टेबल नागसेन हेड कांस्टेबल पंकज PC ईश्वर पातून तथा राजेश इन्होंने वहां जाके मालूमात निकाली और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी रिकवर कर ली है. अभी पुलिस स्टेशन बार्शीटाकडी की रिकॉर्ड में से जो 10 गाड़ियाँ चोरी गई है वो 10 गाड़ियाँ पुलिस में रिकवर की गई है तथा उसके बावजूद भी 2 ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी बारे में अभी तक पता लगा नहीं है. इनका इंजन नंबर चेसिस नंबर चेक करके उनकी मालक का पता निकाल के वो किस पुलिस के हस्ते चोरी गई है इसके बारे में फिलहाल अभी तक हमने ये सिलसिले में अभी तक 3 आरोपियों को अटक किया है. उनमें से 1 आरोपी MCR में है तथा 2 अभी तक PCR. आरोपी बढ़ने के चांसेस है. जैसी गाड़ी का रिसीवर कोई अलग मिलता है तो आरोपी बढ़ सकते हैं.